मेरी ना लग चुकी है लॉटरी, क्योंकि तो ये ना तुम्हारे लिए स्पेशल गिफ्ट, पहला बैच बना ऑयल का एज अ सैंपल, तो मैंने कहा सबसे पहले तुम्हें दूं, तुम ट्राई करके देखना। जीजा उधर ना, ब्रो होगा तेरा भाई, 20 रुपए मेरे पर्स में, तुम्हारे से लेने पड़ेंगे, कोई नहीं, उधारी समझ के दे देना। हेलो ओएनजी फैमिली, कैसे हो, क्या हाल चाल है, होप यू आर डूइंग बेमिसाल। सबसे पहले आप सबको मैं देना चाहूंगा अपडेट कि पिछले 3-4 दिनों की वजह से ना मेरा जो वो जिम का डाइट का फ्लो बना हुआ था वो थोड़ा सा टूट चुका हुआ है, बट टेंशन की कोई बात नहीं, आज से फिर से वो फ्लो शुरू कर रहा हूँ। तो जो मेरी वर्कआउट की रूटीन थी वो टूटी थी आई थिंक डे 12 या डे 13 पे, तो आज जो डे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उसे मैं डे 13 का ही नाम दूंगा, बिकॉज थोड़ी सी चलाकी कर रहा हूँ मैं, अगर डे 16-17 दूंगा ना वो 10 किलो वाला टारगेट आई थिंक अचीव हो नहीं पाएगा। तो टुडे इज डे 13 ऑफ माय 30-day वेट लूज चैलेंज, और करते हैं अब दिन की शुरुआत। आज के दिन का पहला काम तो यहाँ पे तैयार बैठा है, गर्मियां आ चुकी हुई है तो कंबल रजाई होगा, कोई काम नहीं है, तो इनको जो है अभी हम करवाएंगे ड्राई क्लीन, और ड्राई क्लीन करने के बाद अलमारी वगैरह में रख देंगे, तो अभी चलते हैं ड्राई क्लीन देने के लिए। अच्छा मम्मा, इसके अलावा कोई और काम है? बेटा पीजीआई से ना इंजेक्शंस लेने हैं। ओके मास्टर जी के, वो लेके पकड़ा देना। मास्टर जी जो है ना वो डिस्चार्ज तो हो चुके हुए, पर अभी चल रही है उनकी मेडिकेशन, इंजेक्शन वगैरह उनके लगने हैं, और जो इंजेक्शन लगने हैं वो पीजीआई से ही मिलेंगे, तो पीजीआई भी एक गेड़ा मार लेते हैं। और गाड़ी जो है ना वो हमने फुली पैक कर ली हुई है, अभी ना जस्ट मैं निकलने ही लगा था पर मैंने रियलाइज किया मेरा एक फोन जो है वो मुझे मिल नहीं रहा, सारी जगह ढूंढ लिया, फिर मुझे याद आया कि मेरी घड़ी जो है वो भी मेरा फोन ढूंढ सकती है। आपको दिखाता हूँ फोन मिला कहाँ से है। जैसे ये घड़ी है ना, इस पे ये ऑप्शन है, ये वाला बटन अगर क्लिक करूंगा तो ये मेरा फोन ढूंढ के दिखाएगी मेरे को। तो मैं नहाने गया था, निकर जो है टांगी थी, यहाँ पे है जी फोन। ये जो लापरवाही है ऐसे चीज घुमाने वाली, ये सिर्फ मैं ही करता हूँ या आपके साथ भी जरा होती है, कमेंट करके बताना। और एक्सपर्ट बंदे भी जाने लगे हैं मेरे साथ। दरअसल मम्मा को लेके आने का ना एक बहुत ही ज्यादा बड़ा रीजन था, पीजीआई में जो पार्किंग है ना वो बहुत ही ज्यादा दूर है, तो अभी मम्मा गया केमिस्ट के पास, मैं केमिस्ट के बाहर गाड़ी में वेट कर रहा हूँ उनकी, और सिक्योरिटी गार्ड मेरे पास आ ही जा रहे हैं कि गाड़ी हटा लो, और मैं बस लारे लगा रहा हूँ जल्दी आ जाए मम्मा पास। सिक्योरिटी गार्ड पाजी आ गए हुए हैं मुझे हटाने के लिए एक बारी फिर। तो जी सिक्योरिटी वाले पाजी की बात मान के गाड़ी हमने वहाँ से हटा ली हुई है, दरअसल मुझे देख के और भी लोग गाड़ी वहाँ पे खड़ा रहे थे, और फिर बहुत ही मिसमैनेज सा हिसाब हो जाता है। तो अब गाड़ी का ना थोड़ा गेड़ा गुड़ा सा देते हैं, और मम्मा जब दवाई ले लेंगे हमें कर देंगे कॉल, उन्हें कर लेंगे हम पिक। बड़ा टाइम लग गया मम्मा, रश ज्यादा था? नहीं बेटा, टाइम दवाइयां ही इतनी सारी उठे थी, ये दो इंजेक्शन थे, ये तो बहुत ज्यादा है। एक दो दो टाइम, एक तीन तीन टाइम। अच्छा मतलब इंजेक्शन दो ही है, उनकी डोजेस ज्यादा है। और अभी ना मम्मा को मैं घर छोड़ने जा रहा था, पर रास्ते में इनको देख चुके हैं मिट्टी के बर्तन जो कि लेने हैं। लेना क्या मम्मा? ये कितने कितने के? अच्छा जो चिड़िया वगैरह को हम खाना डालते हैं ना बाहर, पानी डालते हैं, उसके लिए लेना है ये। A few moments later. मम्मा को ना ड्रॉप करके आ चुका हूँ मैं मासी को दवाइयाँ देने, और साथ ही साथ मिट्टी के बर्तन जो है ना मम्मा ने मासी के लिए भी ले लिए हुए हैं। हेलो जी। अच्छा मास्टर जी कैसे हैं? ठीक है ठीक नहीं है, चलता है अच्छा। और अब हम चल दिए हैं स्टूडियो की, और दरअसल फूडी की वीडियो का है थोड़ा सा काम, मुक्ति और आदित्य सीधा मिलेगी अब स्टूडियो पे। और यहाँ पे मेरे पहुँचने से पहले पहुँच चुके हैं भाई बहन, मतलब उसकी बहन इसका भाई। खाले केला देख कर रही है, मेकअप कर रहे हैं उसका। अरे यार मेरे को ऐसा डर लग रहा है कि इसमें कीड़ा तो नहीं है। तेरे दिमाग में कीड़ा है। अरे केले में कीड़ा होता है, उसने भी चीकू खाया, इतना सुथरा चीकू। अरे मैं मेरे भी निकला एक चीज में कीड़ा। किसमें? मुक्ति को डॉक्टर चेक करा, इसके दिमाग में से कीड़ा निकला। और तो और इसके तो दांतों में भी कीड़ा है। ओह शिट, कीड़े की फैक्ट्री है ये। आंखें भी चेक करानी है, फिर आपको भी कीड़ा निकले। और जी अगर हम स्टूडियो आए और आपको अपने गुलाबों की खेती की अपडेट ना दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे जो अपने गुलाबों की फैक्ट्री थी वहाँ पे स्टे लग चुका हुआ है, नए गुलाब वगैरह नहीं आ रहे, पर ये जो गुलाब है ये बहुत ज्यादा सोने हैं और बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। और जो ये मैंने नया गुलाब खरीदा था ये तो अलग ही कलर का निकला भाई साहब, ब्लैक और रेड। हेलो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल रोज फॉर ए ब्यूटीफुल रोज। थैंक यू सो मच। नहीं नहीं उसी का है, वो सुंदर वालों का ही है, ये पूरा खेल चुका हुआ है इसलिए। ओह
निकलने के बाद ऐसा हो जाएगा ही। हाँ। मतलब उसी टाइम तोड़ लो है ना, मतलब हाँ, जब वो ऐसे थोड़ा बंद सा होता है उसी टाइम तोड़ना चाहिए। मेरी ना लग चुकी है लॉटरी, क्योंकि क्या लेके आए हो? देखो तुमने मेरी बहन को रोज दिया इतने प्यार से, तो मेरा भी दिल पिघल गया। मैं कहा मैं भी अपने जीजे को कुछ गिफ्ट दूं, तो ये ना तुम्हारे लिए स्पेशल गिफ्ट, पहला बैच बना ऑयल का एज अ सैंपल। तो मैंने कहा सबसे पहले तुम्हें दूं, तुम ट्राई करके देखना। मतलब ये लगाने के बाद अगर मेरे बाल बचे तो मतलब ये तेल ठीक है, अगर नहीं होगा दोबारा बचेंगे, थोड़ी उगेंगे बाल। और ये दो, ये सिर्फ हेयर ऑयल नहीं है, दिस इज नसवार आल्सो, बेसिकली नोजल स्प्रे भी है। Okay. तो अगर आप नोज पे डालोगे उससे भी बालों को फायदा होगा। और ये आयुर्वेदा में मतलब नई चीज अपने को सीखने को मिली। हाँ। कि हाँ। नसवार भी एक चीज होती है। नसवार नहीं, नेजल स्प्रे बोलते हैं। हाँ हाँ, नेजल स्प्रे बोल दो। मतलब नाक में अगर इसको डालेंगे तो भी वो बेनिफिट करेगी बालों। हाँ, बालों को बेनिफिट करेगा, साइनस के लिए बहुत अच्छा, बहुत बीमारियों के लिए अच्छा है ये तेल। वो हम थोड़ा डिटेल में बाद में बताएंगे, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद, पापा से पूछने के बाद। सो इस तेल की सारी रिसर्च जो है वो मेरे फादर इन लॉ ने करी है, एंड आई थिंक बहुत ज्यादा अच्छा होएगा। कल से लगाना शुरू या फिर आज रात को ही लगा लूंगा। यहाँ पे अपना कैमरा, लाइटिंग सब कुछ सेट था, पर बहुत गलत हुआ। मतलब अभी हमने सोचा कि थोड़ा सा खाना खा ले, उसके बाद आराम से बैठ के इस वीडियो बनाएंगे। खाना खाते खाते लाइट चली गई। एक बहुत ही ज्यादा तगड़ी शायरी मैं पेश करना चाहूंगा। बा, 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 जब किस्मत हो चुडू, क्या कर लेगा बॉर्नविटे वाला दुद्दू। ओए होए, देखो ओए, ओए, ओए। लाइट भी गई है और हमारा इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहा है, सारी जगह से हम हो चुके हैं हाईजैक। नहीं नहीं, मैं भी एक शायरी मारना चाहूंगा, मेरे को भी एक बहुत बड़ी शायरी आई है। जब हो इन्वर्टर आपका खराब, हाँ, तो हो जाएगी जिंदगी बर्बाद। वाह 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 वाह, स्पेशली इन गर्मियां। इन गर्मियां यार इसको ठीक करवाना पड़ेगा ऐसे। फोन करते हैं इंजीनियर को और ये ठीक करवाते हैं। A few hours later. लाइट जो है ना वो आ गई थी, शूट जो है वो हो चुका हुआ है और अब हम खेलने लगे हैं घर घर। मुझे एक चीज की कंफ्यूजन है, मुक्ति तो कौन से घर जाएगी? मेरे साथ चल ले अगर मैं मिस कर रही है। तो मैं घर नहीं जा रही हूँ, थोड़ी सी काम है वो काम करके फिर हम घर जाएंगे। थोड़ा सा कौन से घर? मतलब हमारे घर, अपने घर वाले घर, उधर वाले घर में बाद में आऊंगी। जैसे तुमने गाड़ियों का नाम रखा, घर का भी नाम रख लो, इजी हो जाएगा थोड़ा सा। आदित्य का घर हमारा घर। मैं ना सोच रहा हूँ घर जाके तैयार होके जिम चलते हैं, पर अभी घर जाने से पहले मासी के पास जाना है, थोड़ा सा काम है, तो वो करके फिर चलते हैं घर। दरअसल मासी के घर पे ना चल रहा है काम और मैं मासी के साथ अभी गया था खरीदने बेड, और हम जैसे ही पहुंचे हैं बेड भी पहुंच चुके हुए हैं। A few moments later. सारे काम डन 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 करके आ चुके हैं घर। अभी जल्दी से कपड़े बदलते हैं और चलते हैं जिम, करते हैं कसरत। अभी ना मैं बस कपड़े बदलने लगा था, प्लान में पर आ चुकी है थोड़ी सी तब्दीलियां। आपको और घर वालों को एक साथ बताते हैं। पापा सुनो, मैं दिल्ली जा रहा हूँ आदित्य के साथ। अभी? हाँ मतलब अभी निकलने लगा हूँ। क्या होगा? कल आ जाऊंगा वापस, काम है। क्या प्रोग्राम तुम्हारा? अब बन गया। और बब्बा भी समेटने लगे हुए सर्दियों गर्मियों के कपड़े। जब बब्बा पहले तो सच्ची बोलूं मैं रुबे है, मुझे लगा आप कोई नहीं रुबे, इसके बीच में मर्ज हुए हुए हो। अच्छा सुनो, मैं दिल्ली जाने लगा हूँ अभी। हाँ कल आऊंगा। क्यों? आदित्य के साथ जा रहा हूँ काम है। अचानक नहीं, मतलब प्लान था पर मेरा डामाडोल सा था, पर मैं अब जा रहा हूँ, कल आऊंगा। तो घर वाले थोड़ा सा तो हो रहे हैं गुस्सा कि एकदम से प्लान क्यों बनाते हो, पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ी अपडेट है आदित्य से रिलेटेड, वो हम आपको दिल्ली पहुंच के बताएंगे। बट अभी फिलहाल दो चार कपड़े डाल लेता हूँ बैग में, थैले में, लिफाफे में और निकलते हैं। तो जी ये है मेरी पैकिंग, मैं तो ऐसे ही जाने लगा था पर मम्मा कह रहे हैं किसी लिफाफे में डाल ले, और बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है कि ऐसे नहीं जाना, पहले खाना खाओ फिर ही जाने देंगे। तो अभी चने चावल खाते हैं। खाना पीना जो है ना वो हो चुका है डन, और आज जिम नहीं हो पाएगा तो मैं सोच रहा हूँ स्टेप्स जो है ना अपने वो ज्यादा करूंगा, एटलीस्ट 15,000 स्टेप्स करेंगे। अभी 5600 स्टेप्स हुए, 15,000 तो करने करने आज। और यहाँ पे पहुंचते ही मुझे लग रहा है सारे तैयार है, मतलब तुम सी ऑफ करने के लिए, ये चलने के लिए। जी जाऊँ तेरा ब्रो होगा तेरा भाई। मेरे को सगा भाई नहीं आता, तुम्हें ब्रो बोला भाई। बाय बाय, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। तो ज्यादा टाइम हमने बिल्कुल नहीं लगाया, जैसे ही मैं पहुंचा आदित्य तैयार था, मेरे को बिठाया और निकल पड़े। आदित्य मेरी कुछ शर्तें हैं। बोलो। मेरे साथ एक घंटा सैर करनी है। क्या रस्ते में सैर करेंगे? पहुंच के अभी ठीक है, मैं तो रस्ते में सैर करेंगे, दिल्ली तो पहुंच गए हम। और आज फिर से हमने गलती कर दी, छत खोली ही नहीं हमने ब्लॉग बनाने से पहले। क्या कर दो यार तुम यार ओंकार भाई, दिस इज वेरी रॉन्ग। तो गाइस अभी ना हम रुके हैं गाड़ी में तेल डलवाने के लिए, और मुझे लगता है कि आदित्य पूरे रास्ते में गाड़ी कहीं नहीं रोकेगा, मेरे स्टेप्स वगैरह पूरे हो नहीं पाएंगे, तो ऐसे ही मौका मिलता है मैं थोड़ी सी सैर वगैरह कर लेता हूँ।
जाया 24/7 से पानी ले आओ, कोल्ड ड्रिंक ले आओ यार। अच्छा मैं तेल डलवा लेता हूँ। ओके सर, और कुछ? बस ऐसी बहाने तुम्हारी सैर भी हो जाएगी। वैसे तो ना मुझे अपने साले से कोई उम्मीद थी नहीं कि रास्ते में ये गाड़ी रोकेगा, पर ज्यादा पानी पीने की वजह से प्रेशर पड़ चुका हुआ है और इनको लग चुकी है भूख। भूख भी प्रेशर भी, मैंने सोचा था नॉन स्टॉप जाएंगे दिल्ली तक, पर जो भूख लगी है ना कंट्रोल नहीं हुआ। और मेरी ना एक शर्त थी, रुकेंगे तो ढाबे में रुकेंगे, रेस्टोरेंट वगैरह में नहीं रुकना है। तो रास्ते में आता है करनाल में झिलमिल ढाबा जहाँ पे हम रुक चुके हुए, अब यहाँ से देसी सा खाएंगे। मैं भी खा रहा हूँ आज, मैं फास्टिंग वगैरह नहीं कर रहा हूँ, भूख लग रही है क्योंकि मुझे भी। और यहाँ पे जनाब जी बैठ के ऑर्डर दे रहे हैं, मैं थोड़े टिकटॉक शेयर करने जा रहा हूँ, मेरे को ब्रेक दबा दबा के बैठ दीजिए। खाना पीना हो गया है डन, और अभी बज रहे हैं फिलहाल रात के 10 और मेरे 8200 स्टेप्स हो चुके हुए हैं और ढाबे का खाना बहुत स्वाद था। तुझे कैसा लगा? मजा आ गया, कसम से मजा आ गया। मतलब मैं इतना बाहर कभी खाता नहीं हूँ ढाबे पे। हाँ। मैंने पहली बार 3 तंदूरी रोटी खाई है और उसके बाद हमें ना एक बहुत ही ज्यादा तगड़ी फीलिंग आ रही थी। वो मतलब फील ऐसी आ रही थी कि हमने एक भी मजे मजे में रील बना के इंस्टाग्राम पे डाल दी हुई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तुम बताना चाहोगे कौन सी फील थी? फील वो वाली आ रही थी कि हमारे शेरपाल भाई ने खाई है 40 रोटी और मैंने खाई है 40 रोटी और हो गई 80 रोटी, चीता कहवे, वो वाली फील आ रही थी। तो अगर किसी को समझ आ गया, थोड़े टाइम पहले वीडियो वायरल हुई थी तो वैसी फील आ रही थी, इतना खा लिया था। आज तो ना फास्ट टैग ने हमारे साथ बहुत ही तगड़े वाली कलोल कर दी हुई है। आदित्य ने इस फास्ट टैग में पैसे डलवाए थे, मेरे ख्याल से 2 घंटे हो गया थी। हाँ पता नहीं यार, बड़ा सा। और रिचार्ज बेशक इसका करवा लिया था पर अभी तक गौर से देखिए ब्लैक लिस्ट शो कर रहा है। आदित्य तो ये ब्लैक लिस्ट फास्ट टैग को कर रहा है या तुझे कर रहा है? मैंने तो कभी कोई क्राइम भी नहीं किया यार, ऐसे ना करो SBI वालों। देखो फास्ट टैग नहीं चल रहा कोई बड़ी बात नहीं है, बट दुख जिस चीज का लगता है ना वो ये कि हमें टोल पे डबल अमाउंट पे करनी पड़ती है। ये 180 रुपए का टोल था अगर फास्ट टैग से पे करते, पर हमने 360 पे किए और पिछले टोल पे 100 रुपए पे किया था जो कि 50 रुपए का फास्ट टैग था। बहुत नुकसान हो गया। SBI को कॉल लगा, वो अपने 9 to 5 वाले टाइम में नहीं उठाते कॉल, रात को तो बिल्कुल ही भूल जाओ तुम। और जी अब अगला टोल भी आ चुका हुआ है आदित्य, पैसे तैयार रखो। पैसे यार मैं कैश भी नहीं लाया यार इस चक्कर में, एक तो UPI ने ना कैश रखने की आदत ही हटा दी है और अभी हाईवे पे प्रॉपर नेटवर्क भी नहीं मिल रहा है। 20 रुपए मेरे पर्स में, तुम्हारे से लेने पड़ेंगे कोई नहीं, उधारी समझ के दे देना। पिछले वाले से बैलेंस ले लिया था? हाँ ले लिया था, तो वो भी पड़ा होगा। ठीक है, ये वाला टोल अच्छा है, ये ब्लैक लिस्टेड नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है हॉट लिस्टेड। हॉट लोगों को हॉट लिस्टेड बोलता है। A few moments later. रात के बज रहे हैं 1 और पहुंच चुके हैं हम अपनी डेस्टिनेशन पे और आज हम AC ऑन करके सोएंगे। भाई साहब कैसा लग रहा है आज, मतलब सीजन के पहले बार ही AC ऑन हुआ है? हाँ अभी तक हमारे घर पे AC नहीं ऑन हुआ। मुझे ये चीज तो पता लग गई कि 3 या 4 डिग्री का फर्क तो है। हाँ चंडीगढ़ जो है इससे कंपैरेटिवली ठंडा है, अभी तो बहुत ठंडा है। और अभी ना थकावट हो चुकी है बहुत ही ज्यादा, तो लगे हम सोने। कल के व्लॉग में आपको बताते हैं कि हम दिल्ली क्यों आए हैं और आज 15,000 स्टेप्स हो नहीं पाए पर 8,000 हो गए थे। कल के दिन उसका भी कुछ करते हैं, आई थिंक थोड़ा ज्यादा चल लेंगे कल। बाकी मिलते हैं कल आपको नए व्लॉग में। आई होप यू लाइक द वीडियो, अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों शेयर कर देना। 4 बजे नया व्लॉग आ जाएगा कल, तो टाटा बाय बाय। जिस किसी ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर दो भाई, थकावट सच में बहुत हो गई है, बोलना भी नहीं जा रहा है, मैं तो लगाऊं सोने, कपड़े भी नहीं बदल रहा। अरे बदल लो कपड़े बदल लो। बाकी आपको मैं एक आखिरी चीज बोलना चाहता हूँ।